हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। मन फिराओ या नाश हो जाओ, अगर आप अपने जीते जी जिंदा रहते हुए अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया और यीशु पे विश्वास नहीं किया तो आपको सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास एक किरण है, अभी आप जिंदा हो, अपने पापों से मन फिरा लो। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, जरा सोचो, अगर इसी तरह पाप करते करते किसी दिन अचानक मर गए तो आपको सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा। जरा सोचा है आपने, अगर एक बार उस नरक में चले गए तो वहाँ ना आग बुझेगी और ना वहाँ कीड़े मरेंगे, उसको हमेशा हमेशा के लिए उसको वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नरक में डाल देगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है कि मेरा बेटा अपने पापों से मन फिरा ले। आज मनुष्य थोड़ी सी खुशी के लिए, पैसों के लिए, अपनी शांति के लिए मनुष्य अपनी आत्मा को नाश कर देते हैं और अपने लिए खुद नरक का दरवाज़ा खोल लिया है। आज मनुष्य ने अपने लिए खुद नरक का दरवाज़ा खोला है। इसलिए यीशु ने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, वरना एक बार आपके शरीर से आत्मा निकल गई तो आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। वो आत्मा एक स्थान पर चली जाएगी, धनवान की साइड या अब्राहम की साइड चली जाएगी। इसलिए आपका उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अगर आप बिना उद्धार ही के मर गए तो आपको सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा, जैसे मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। यहाँ एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, हर मनुष्य की बात हो रही है, चाहे वह मसीह पे विश्वास करता हो, चाहे वह अन्य जाति हो। वचन एक जैसा है और सभी के लिए है। जैसा यीशु ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं निष्फल होगा, कभी नहीं टलेगा। आगे 37 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। जीवन और मरण की बातें आपके सामने रखी हैं, तो आपको पता है कि हमें क्या चुनना है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जैसे नीति वचन 18:21 वचन में लिखा हुआ है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मनुष्य की मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, इसलिए अपने मुंह की चौकसी करो, अपने जीव को वश में लाना सीखो, अपनी जीव को किसी को श्राप मत दो, गलत मत बोलो। इसलिए समय रहते हुए अपना मन फिरा लो और लौट आओ यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। मैंने यूट्यूब पर देखा है, आज कोई स्वर्ग और नर्क के बारे में नहीं बता रहा है, बस फालतू की चीजें आज यूट्यूब पर बताई जा रही हैं। अगर वह प्रचारक या पास्टर स्वर्ग और नर्क के बारे में बताएगा तो उसे डर से बात का रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर ना निकल जाएं। अगर सब्सक्राइबर निकल जाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। हम अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में और पैसों के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वह मसीही बिना उद्धार के ही मरकर नर्क में चला जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कोई नर्क जाए, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। अगर कोई स्वर्ग और नर्क के बारे में बताना शुरू कर देगा कि एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, हम अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में और पैसों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, अपना समय प्रभु को दीजिए, अपना समय फालतू बर्बाद मत करिए और थोड़ा सा वीडियो देखना बंद कर दीजिए। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास। आप सभी को जय मसीह की।